प्रिय विद्यार्थियों, आरसी एजहब बानसर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं एकविमीय सदिश, द्विविमीय सदिश और त्रिविमीय सदिशों के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, आपने 10th क्लास तक निर्देशांक ज्यामिति की बात की। अपन जानते हैं कि निर्देशांक तंत्र में तीन अक्ष होते हैं, जैसे एक्स, वाई और जेड। यानी निर्देश तंत्र में तीन अक्ष होते हैं, अपन जानते हैं एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है और एक जेड अक्ष होता है। ये तीन अक्ष होते हैं। अपन ये भी जानते हैं कि ये जो तीन अक्ष होते हैं वो आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इनमें तीनों जो अक्ष होते हैं ये एक दूसरे के लंबवत भी होते हैं। एक जो हमारा तल होता है, यानी किसी समतल में हम केवल दो अक्षों को ही दर्शा सकते हैं। तीसरा जो अक्ष है वो इसके लंबवत इस तरह से होता है। तो हम किसी समतल पे निर्देशांक ज्यामिति में केवल हम दो अक्षों को ही दर्शा सकते हैं, एक्स और वाई। तीसरा जेड इसकी लंबवत होता है। स्पेस के अंदर हम तीनों अक्षों को दर्शा सकते हैं। तो जो अपने सदिश होते हैं, अगर हम निर्देशांक तंत्र में इनकी बात करें तो निर्देशांक तंत्र में या निर्देशांक ज्यामिति में ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। हमारा पहला प्रकार है एकविमीय सदिश। तो इसके नाम में क्या है, एकविमीय सदिश। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि ऐसे सदिश जो केवल एक अक्ष के अनुदिश होते हैं या एक अक्ष में होते हैं उनको एकविमीय सदिश कहा जाता है। समझ गए? दोबारा रिपीट करो इसको मैं, कि ऐसे सदिश जो केवल एक अक्ष में स्थित होते हैं, चाहे वो एक्स अक्ष हो सकता है, चाहे वो अक्ष वाई हो सकता है, चाहे वो अक्ष जेड हो सकता है। यानी ये केवल और केवल एक अक्ष में स्थित होंगे, चाहे तो एक्स में, चाहे वाई में और चाहे जेड में। तो इनको कहा जाता है एकविमीय सदिश, जो केवल एक अक्ष में ही स्थित होते हैं। तो आप यही डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमारे पास में एकविमीय सदिश की अलग अलग कंडीशन, अलग अलग अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। तो जैसे एक्स वाई जेड तीन अक्ष होते हैं। ये माना हमारा बिंदु पी जो कि एक्स अक्ष में है, ये माना कोई कण है, बिंदु पी एक्स अक्ष में है। तो अपन जानते देखो एक्स अक्ष में ये बिंदु पी है तो ये एक्स इसकी पोजीशन होगी, आर होता है इसका पोजीशन वेक्टर, एक्स विस्थापन मान ले इसके। तो बिंदु पी एक्स अक्ष में है तो एक्स और वाई जीरो और जेड जीरो। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं एक्स अक्ष में वाई एक्स का मान क्या होता है, जीरो, और जेड का क्या होता है, जीरो। तो ये बिंदु पी केवल एक्स अक्ष में है, इसलिए हमने यह दर्शा दिया एक्स कोमा जीरो कोमा जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि यहां जो बिंदु P है ये केवल और केवल एक्स अक्ष में है। और R वेक्टर जो है इसको कहते हैं स्थिति सदिश, पोजिशन वेक्टर, जो इस बिंदु P की स्थिति को बता रहा है। और देखो x या दूरी है, R हो गया पोजिशन वेक्टर, और I कैप क्या है, एकांक सदिश है। ये एकांक सदिश ये भी तीन होते हैं, एक्स अक्ष में आई कैप होता है, वाई में जे कैप होता है, जेड में के कैप। ये आई कैप एक्स अक्ष में होता है जो एक्स अक्ष की दिशा को बताता है। तो ये हमारा चित्र फर्स्ट हो गया। देखो सेकंड में हम बात करें, चित्र सेकंड में ये बिंदु पी देखो अब वाई एक्स के अंदर है। जब बिंदु पी वाई एक्स में है देखो जीरो कोमा वाई कोमा जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु पी वाई एक्स में है तो अपन जानते कि y अक्ष में x का मान क्या होता है, जीरो होता है, y में तो है ही ये, और अपन जानते कि y अक्ष में z का मान भी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये बिंदु केवल y अक्ष में इसलिए आ गया जीरो कोमा वाई कोमा जीरो। ये आ गया r वेक्टर बराबर y इंटू j कैप। r वेक्टर वही पोजीशन वेक्टर है, इसे कहते हैं स्थिति सदिश। r वेक्टर बराबर y इंटू j कैप, ये जो है बिंदु P की y अक्ष में स्थिति को दर्शा रहा है, और j कैप हो गया एकांक सदिश जो कि y अक्ष में होता है। चित्र देखो C की, तीसरे चित्र की बात करें
इसमें बिंदु हमारा पी आप देख पा रहे हैं जेड अक्ष में है। तो अब जेड अक्ष में अपन जानते हैं कि जेड अक्ष में एक्स का मान जीरो हो गया, वाई एक्स का मान जीरो हो गया, अब जेड में तो है ही, तो जीरो कोमा जीरो कोमा जेड है, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर बराबर जेड इंटू के कैप। वही बात है, के कैप यहाँ जेड अक्ष में एकांक सदिश होता है और जेड दूरी हो गई और आर कैप हो गया एकांक सदिश जो जेड की स्थिति को बता रहा है। तो ये तो भाई एक विमीय सदिश थे जो केवल एक अक्ष में होते हैं, चाहे तो अक्ष एक्स अक्ष में हो सकते हैं, वाई में या जेड में। दूसरा बिंदु आता है अपना द्विविमीय सदिश। इनकी परिभाषा भी इनके नाम से स्पष्ट, देखो द्वि द्वि मतलब दो, ऐसे सदिश जो दो अक्षों के मध्य या किसी तल में स्थित होते हैं, तल में भी अपन जानते हैं दो अक्ष आते हैं, तल में स्थित होते हैं तो उसे द्विविमीय सदिश कहा जाता है। द्विविमीय में देखो आप देख पा रहे बिंदु जो P है, ये बिंदु P एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मध्य है। यहाँ पे बिंदु P का जो निर्देश है वो क्या है, निर्देशांक एक्स कोमा वाई कोमा जीरो। इसका मतलब क्या है कि बिंदु P दोनों अक्षों के मध्य स्थित है, एक्स में है और ये वाई में है। अब एक्स वाई में है तो जेड का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए यहाँ इस बिंदु P का जो R वेक्टर है, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर, इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं स्थिति सदिश, जिस बिंदु P की स्थिति को दोनों अक्षों के मध्य या इस तल के अंदर बता रहा है। इसलिए देखो ये हो गया R वेक्टर बराबर एक्स आई कैप, क्योंकि ये x अक्ष में भी है और प्लस में वाई जे कैप, ये वाई एक्स में भी है, इसलिए ये हो गया एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। इसी प्रकार से यदि हमारा बिंदु P x और z, भाई या तो एक्स वाई के बीच में हो सकता है या वो एक्स जेड में हो सकता है, यहाँ बिंदु P हमारा देखो एक्स जेड के मध्य है, तो ये हो गया एक्स कोमा जीरो कोमा जेड, क्योंकि एक्स जेड के अंदर y क्या रहेगा, जीरो रहेगा y, तो एक्स कोमा जीरो कोमा जेड। तो यहाँ बिंदु P दोनों अक्षों के बीच में है, एक्स अक्ष में और जेड अक्ष में, तो यहाँ इसका जो पोजिशन वैक्टर है इसे कहते हैं स्थिति सदिश, वो हो गया आर वैक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। एक्स मतलब पाई एक्स में तो है ही वो, और जेड में भी है तो हो जाएगा जेड के कैप। इसी प्रकार से इसका तीसरा टाइप देखो, ये हमारा बिंदु P दो अक्षों के बीच में, देखो वाई जेड में हो सकता है, भाई पहली कंडीशन थी ये वाई एक्स के बीच में हो सकता है, दूसरी कंडीशन में एक्स जेड के मध्य हो सकता है, और तीसरी में वाई जेड के मध्य भी हो सकता है। तो यहाँ बिंदु P देखो वाई जेड के बीच में है, तो यहाँ एक्स एक्स क्या हो गया, जीरो, क्योंकि वाई जेड के बीच में है, वाई जेड के मध्य जो हमारा एक्स एक्स क्या हो, उसका मान जीरो हो जाएगा, और वाई में तो है ही और जेड में भी है, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर बराबर वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, तो ये इसका हो जाएगा पोजिशन वेक्टर। तो ये हमारा हो गया द्विविमीय। हम तीसरा पॉइंट की बात करें, तीसरा त्रिविमीय, तो अब उसकी बात करें तीसरे पॉइंट की। ये दो हो गए, एक विमीय हो गया और ये था द्विविमीय। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं, वो था त्रिविमीय सदिश। तो त्रिविमीय, तो इसका नाम भी है, इसकी जो परिभाषा नाम से स्पष्ट हो जाएगी, त्रिविमीय सदिश। तो इसने क्या है, त्रिविमीय मतलब जो बिंदु या जो कण तीन अक्षों के सापेक्ष होता है। अपन जानते हैं जो हमारा ये जो समतल है, जैसे बोर्ड है माना, तो अपन यहां तो केवल दो अक्षों को ही दर्शा पाते हैं, एक्स और वाई को, जेड स्पेस में होता है। तो तीन अक्ष या तो भाई आकाश में होंगे या स्पेस में होंगे। परिभाषा क्या होगी कि ऐसे सदिश जो स्पेस या आकाश में स्थित होते हैं उनको त्रिविमीय सदिश कहा जाता है, यानी उनकी जो कंडीशन है वो तीनों अक्ष में होनी चाहिए। जैसे डायग्राम देखिए, इस तरह आप डायग्राम बनाने माना कि हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया और ये हमारा जेड अक्ष हो गया। माना को बिंदु पी है जो कि तीनों अक्षों में है, तो यह हो जाएगा बिंदु पी क्या हो जाएगी, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, क्योंकि ये बिंदु पी हमारा इस तीनों अक्षों के अंदर है, इसकी स्थिति है। अब देखो जब तीनों अक्षों में है, भाई एक्स में है, वाई में है और जेड में है, तो इसका जो पोजिशन वैक्टर जो है, इसको बोलते हैं आर वैक्टर। तो इसका जो पोजिशन वैक्टर हो जाएगा आर वैक्टर बराबर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, क्योंकि ये तीनों अक्षों के अंदर इसकी स्थिति को बता रहा है।
अपन जानते हैं एक्स अक्ष में आई कैप होता है एकांक सदिश, वाई में जे कैप होता है और जेड में के कैप होता है। तो ये हमारा हो गया त्रिविमीय सदिश बिंदु पी जो कि तीन अक्षों के मध्य विद्यमान है। आर इसका हो गया पोजिशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। तो ये हमारे थे तीन प्रकार के सदिश निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।